कैश बजट हाँ, ये टॉपिक हम लोग करेंगे। कैश बजट क्या है? एनी काइंड ऑफ बजट, मैंने बताया था, एनी काइंड ऑफ बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम। फ्यूचर के लिए हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं उसे हम लोग बजट कहते हैं। जैसे हम लोग का जो घर में हम लोग जो भी एवरी मंथ का जो हिसाब बनाते हैं कि नहीं अगले महीने हाउ मच एक्सपेंडिचर डू वी नीड टू इनकर, वो हम लोग उसको भी हम लोग बजट ही बताते हैं, है ना, कि अगले महीने का बजट क्या होगा। जैसे गवर्नमेंट बजट निकालती है हर साल कि आने वाले साल में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, हाउ द पीपल ऑफ द कंट्री विल बी पेइंग टैक्सेस, हाँ हमारे कंट्री का कितना इनकम होने वाला है, हाउ मच एक्सपेंडिचर आर वी एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये बजट के अंडर में आता है। कैश बजट क्या है? कैश बजट हम लोग बनाते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश अवेलेबिलिटी। ठीक है, कैश कितना हमारे पास कलेक्शन आएगा, कैश कितना हम लोग पेमेंट करेंगे, एंड इन द एंड ऑफ द पीरियड हाउ मच कैश विल बी अवेलेबल इन आवर हैंड्स, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन कैश बजट। ठीक है, सो इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं रिसीट्स। ठीक है, रिसीट्स में क्या क्या आ सकता है? रिसीट्स में वी कैन हैव कैश सेल्स, है ना, कैश सेल्स मतलब एनी सेल विच इज मेड ऑन अ इमीडिएट कैश बेसिस, मतलब आपने सामान को सेल किया एंड यू आर आस्किंग योर बायर टू पे यू इमीडिएटली द अमाउंट। ठीक है, इसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया, सपोज ए हो गया। बी में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स का मतलब कौन होता है? डेटर्स का मतलब वो सारे बायर्स जो हमसे सामान खरीदे हैं बट हमें वो पैसे नहीं पेमेंट किए। ठीक है, सो बायर्स हु बॉट द गुड्स फ्रॉम अस बट डिड नॉट पे द मनी, सो वो कभी तो पैसे पेमेंट करेंगे। सो वो डिपेंड करता है कब वो पैसा पेमेंट करेंगे, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट पॉलिसी दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग। हो सकता है हम लोग उन्हें 30 दिन का टाइम देते हैं, एक हफ्ते का टाइम देते हैं, दो महीने का टाइम देते हैं, whatever. सो इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉट अमाउंट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन द फ्यूचर कमिंग डेज। ठीक है, सो इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई रिसीट्स है, सपोज सी हो गया, मैं अदर रिसीट्स के नाम से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अदर रिसीट्स हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्वेश्चन में अदर रिसीट्स के नाम पे हो सकता है इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड तुम्हें रिसीव हुआ, ठीक है, किसी से रेंट तुम्हें मिल गया, हाँ, सो एनी कैश कलेक्शन, एनी काइंड ऑफ कैश कलेक्शन विल कम हियर। ठीक है, ये चीज़ को अगर हम लोग टोटल करते हैं तो हमें मिल जाए यहाँ पे टोटल अवेलेबल कैश। ठीक है, अवेलेबल कैश, इससे हम लोग माइनस करते हैं पेमेंट्स। अब पेमेंट्स में क्या क्या हो सकता है? पेमेंट्स में हो सकता है पेड पेमेंट, अच्छा जैसे कैश सेल्स है उसी तरह से कैश परचेज भी हो सकता है कि हम लोग इमीडिएट कैश बेसिस पे कुछ सामान खरीदें। बी में हो सकता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं बट हम लोग उन्हें अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं। सो अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम आवर एंड, सो वी विल बी पेइंग द अमाउंट ऑन द क्रेडिट परचेजेस। तो ये डिपेंड, अगेन ये डिपेंड करता है द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें बेचे हैं वो क्या
क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं. हो सकता है कि वो हमें 2 महीने का टाइम दिए या 1 महीने का टाइम दिए, वॉट एवर पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अलाउड अस, वो पीरियड के बाद ये पेमेंट हमें कर देना पड़ेगा. ठीक है. इसके अलावा देयर कैन बी अ सिचुएशन, हम लोग हो सकता है वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस एंड सैलरीज. ठीक है. एंड इसके बाद आ सकता है अदर पेमेंट्स. ठीक है. अदर पेमेंट्स, तो ये सारे पेमेंट्स जो हैं, ये सारे पेमेंट्स को हम लोग यहां पे टोटल करेंगे. ठीक है. सो टोटल पेमेंट्स, ये हो गया हमारा टोटल पेमेंट. यहां पे हम लोग जैसे टोटल कैश अवेलेबल किए थे, ठीक है, इसको अपने यहां पे ए बोल के कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम लोग बी बोल के कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है. हमें करना क्या है, क्लोजिंग कैश बैलेंस. क्लोजिंग कैश बैलेंस ये किस तरह से निकलता है, ये निकलता है ए से बी को माइनस कर लो. जितना भी टोटल बैलेंस हमारे पास है उससे हम लोग अगर इसको माइनस कर देते हैं टोटल पेमेंट्स को, तो वी विल गेट टोटल क्लोजिंग बैलेंस. नाउ रिमेंबर वन थिंग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सपोज जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का हम लोग कैश बजट बना रहे हैं, तो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग फॉर फरवरी. अगेन मैं बताता हूँ, हम लोग जब कैश बजट बना रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ द क्लोजिंग कैश बैलेंस एज एट द एंड ऑफ द मंथ. तो किसी भी मंथ का एंड में जो बैलेंस आ रहा है, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कमिंग मंथ. तो सपोज मैं ये जनवरी महीने का कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये जनवरी महीने का कर रहा था. ठीक है. इसके बाद मेरा यहाँ पे फरवरी है. ठीक है. तो यहाँ पे सपोज मेरा आ गया, यहाँ पे मेरा से 10,000 आया. ठीक है. तो ये 10,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा फरवरी महीने का. ठीक है. इसी तरह से वापस हम लोग फरवरी का भी बनाएंगे, फरवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्च. ठीक है. एंड दैट इज हाउ वी प्रिपेयर कैश बजट. एक क्वेश्चन यहां पे देखते हैं हम लोग. मेक आउट अ कैश बजट फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने का हमें बनाना है. ठीक है. अप्रैल डैश जून मतलब अप्रैल टू जून. नाउ यहाँ पे देखो बजटेड सेल्स दिया हुआ है, एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स. तो ये एक्चुअल सेल्स है. एक्चुअल सेल के फिगर क्या क्या हैं, एक्चुअल सेल के फिगर मेरे को दिया हुआ है. देखो मेरा जो है मैं अप्रैल से जून तक का बनाऊंगा, इसका मतलब मैं मार्च के महीने में अभी प्रेजेंट हूँ या फिर मार्च का महीना हो गया मेरे लिए और मेरे को बताना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कैश पोजीशन इन द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम. तो मेरे पास जनवरी से मार्च तक का एक्चुअल फिगर्स है ना. एक्चुअल फिगर्स मतलब ये सारे महीने हो गए हैं और मेरे को पता है कि जनवरी से मार्च तक का क्या सेल होगा. ठीक है. सो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जनवरी से मार्च तक का एक्चुअल फिगर्स, ये एक्चुअल फिगर्स दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है. ठीक है. अप्रैल से लेके जून तक का यहाँ पे मेरे को बजटेड दिया हुआ है कि क्या होने वाला है सेल्स. उसी तरह से देखो यहाँ पे एक्चुअल एंड बजटेड परचेजेस दिया हुआ है, ये सारे एक्चुअल्स हैं, ये एक्चुअल्स हैं. ठीक है. एक्चुअल हैं और ये मेरे बजट हैं. ठीक है. सो अप्रैल, मई, जून का मेरा बजटेड दिया हुआ है और एक्चुअल दिया हुआ है फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च का. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. एक्चुअल एंड बजटेड वेजेस एंड एक्सपेंसेस. तो एक्चुअल में यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च का एक्चुअल का वेजेस एंड एक्सपेंसेस दिया हुआ है और बजटेड वेजेस एंड एक्सपेंसेस भी अप्रैल, मई, जून का दिया हुआ है. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बताया हुआ है.
स्पेशल बोल के एडवांस इनकम टैक्स इन मे रुपीज 5,000, प्लांट इन अप्रैल 15,000। मतलब ये बता रहा है कि हमें एडवांस इनकम टैक्स पेमेंट करना है मई महीने में 5,000 रुपया और प्लांट के लिए हमें पेमेंट करना है 15,000 रुपया। तो ये हमें पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अप्रैल में और मई में ये स्पेशल कुछ खर्चे हैं। मई में मुझे 5,000 रुपया देना है इनकम टैक्स के लिए और अप्रैल में मुझे पेमेंट करना है प्लांट के लिए 15,000 रुपया। रेंट रुपीज़ 400 पेबल ईच मंथ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में रेंट नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। 400 रुपया हर महीना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो 400 पर मंथ इज पेबल, ठीक है। अप्रैल मई जून ये तीनों महीने में मुझे रेंट भी देना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे रेंट लिख दूँ ना इस तरह से, रेंट ये 400, ठीक है, 400, ओके। हाँ, एंड इसके अलावा अगर मैं और डिटेल में यहाँ पे बनाऊँ, जैसे यहाँ पे बताया हुआ एडवांस इनकम टैक्स, ठीक है, एडवांस इनकम टैक्स मेरे को खाली देना है मई महीने में, तो मई महीने में यहाँ पे 5,000, ठीक है। ऊपर अप्रैल और नीचे जून, ये दोनों में डैश होगा। उसी तरह से प्लांट, अगर मैं यहीं पे लिखूँ प्लांट, खाली अप्रैल में 15,000, यहाँ पे 15,000, बाकी नीचे मई और जून में डैश डैश हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिखा। 10% ऑफ परचेजेस एंड सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। मतलब जो भी आप टोटल सेल कर रहे हैं उसका 10% जो है वो कैश बेसिस में है और बाकी 90% जो है वो क्रेडिट बेसिस में है, ठीक है। परचेज का भी 10% कैश है, सेल्स का भी 10% कैश है। क्रेडिट परचेजेस आर पेड आफ्टर 1 month एंड क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड आफ्टर 2 months। मतलब अगर मैं अप्रैल का बात करूं, ठीक है। अच्छा, ये अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग टू द क्वेश्चन। सो मैं वापस से बताता हूँ, क्रेडिट परचेजेस आर पेड 1 month आफ्टर, मतलब जनवरी का अगर परचेज होता है, क्रेडिट परचेज दैट इज़ पेड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, फेब्रवरी का जो क्रेडिट परचेज है दैट विल बी पेड इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड मार्च का जो पेमेंट है दैट विल बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड लाइकवाइज एक महीने बाद बाद पेमेंट करना है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड आफ्टर 2 months। क्रेडिट सेल्स जैसे जनवरी का अगर क्रेडिट सेल्स है वो कलेक्शन होगा 2 महीने बाद, तो जनवरी का पैसा जनवरी में नहीं मिला, फेब्रवरी में भी नहीं मिला, कब मिलेगा, मार्च में मिलेगा। उसी तरह से फेब्रवरी का पैसा फेब्रवरी में भी नहीं मिलेगा, मार्च में भी नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद अप्रैल में मिलेगा, ठीक है ना। टाइम लैग इन वेजेस एंड एक्सपेंसेस 1/2 month। टाइम लैग मतलब क्या हो गया कि टाइम में क्या डिफरेंस है, कितने दिन के बाद मुझे वेजेस और एक्सपेंसेस पेमेंट करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है आधा महीना, तो हाफ महीना, ठीक है। हर महीने के 15 तारीख को, सपोज इस तरह से होता है कि 15 तारीख को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 तारीख से 15 तारीख तक जो भी वेजेस हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है, वो हम लोग 15 तारीख को सल्टा लेंगे, या 16 तारीख को वी विल बी पेइंग इट ऑफ, एंड देन 16 तारीख से 30 तारीख तक का जो भी एक्सपेंस एंड वेजेस होगा दैट विल बी पेड इन ऑन 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। सो देर आर टाइम लैग बिटवीन इन वेजेस एंड एक्सपेंसेस का वापस बताता हूँ। हाँ, ये 15 डेज का बताया हुआ है, तो 1st से 15th तक का पेमेंट होता है 16 को, ठीक है, एंड 16th से 30th तक का पेमेंट होता है 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट को, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन अप्रैल 1, 2016 15,000, ठीक है, 15,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो हम लोग कैश बजट शुरू करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फॉर्मैट, इस तरह से बनाना है, ठीक है। पहले तो हम लोग यहाँ पे कैश बजट किस पीरियड के लिए बना रहे हैं वो लिखेंगे, कैश बजट फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून 2016, ठीक है, अप्रैल टू जून 2016, एंड देन वी विल मेक
दीज थ्री कॉलम्स, अप्रैल मे एंड जून. ठीक है, अभी हम लोग के क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बताया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस 15,000 दिया हुआ है. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग कैश लिखेंगे, ये रहा ओपनिंग कैश लिखेंगे, कितना 15,000, तो ये हमें मिल गया. ठीक है, दैट्स इट. अभी हम लोग रिसीट्स में जाएंगे. मैंने क्या फॉर्मेट बताया था, मैंने जो फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ प्लस करते हैं रिसीट्स को और माइनस करते हैं पेमेंट्स को. तो एक एक करके सारे रिसीट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना हमें कलेक्शन हो रहा है. तो पहले तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट तुम लोग के लिए बना देता हूँ. ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. मैं यहां पे देखो, हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद कलेक्शन हो रहा है, और 10% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस. ठीक है, 10% जो है ना वो कैश बेसिस में. तो हम लोग ये काम करेंगे, पहले अपने कैश सेल्स लिख देते हैं. ठीक है, पहले अपने कैश सेल्स लिख लेते हैं. ठीक है, तो कैश सेल्स क्या होगा, अगर मैं यहीं पर जाता हूँ, अगर मैं यहीं पर लिखता हूँ, सपोज मेरा कैश सेल्स, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा कैश सेल्स कितना है, अप्रैल मई और जून, ये 3 ही महीने का चाहिए. सो देखो यहाँ पे 1,90,085,000 ये दिया हुआ है. ठीक है, 1,90,085,000, सो 1,90,085,000 ये मेरा अप्रैल मई और जून है. ठीक है, बट मैं बनाऊंगा यहाँ पे जो कॉलम्स बनाऊंगा ना वो अलग से बनाऊंगा. क्या बनाऊँगा, क्यों बनाऊंगा अलग थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में यहाँ पे बताया हुआ है कि जो टाइम डेटर्स को दिया जा रहा है वो 2 मंथ्स का है. तो साफ सा बात है, अगर मेरे को बजट बनाना है अप्रैल मई और जून का, तो साफ सा बात है अप्रैल में कौन सा पैसा कलेक्ट हो रहा है, जो पैसा फरवरी में सेल हुआ है ना वो अप्रैल में हो रहा है, और जो मार्च में सेल हुआ वो मई में कलेक्ट हो रहा है ना. तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे पहले अपने फिगर्स लिख लेते हैं. ठीक है, सो फरवरी का 90,000 है, देन 80,000, ये मैं टोटल सेल लिख रहा हूं. ठीक है ना, ये मैं टोटल सेल लिख रहा हूं, पहले टोटल सेल लिख लेते हैं. हाँ, टोटल सेल लिख रहा हूं, 90, 80, वन लाख 90,000 एंड देन 85,000. अभी इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिट सेल. ठीक है, मेरा क्रेडिट सेल कितना हो रहा है, क्रेडिट सेल क्या बताया हुआ है 90% है ना, 10% अगर कैश सेल्स होता है, सो 90% मेरा क्रेडिट सेल होगा. तो अगर अपने यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं 90,000 का 90% इज कमिंग टू 81,000. अच्छा, इसे क्लोज कर देना है. हाँ, इसे क्लोज कर दो. अच्छा, 81,000, देन 80,000 का 90% इज 72,000. उसी तरह से 1,00,000 का 90% विल बी
90,000 and again 90,000 का 80% will be 81,000 and 85,000 का 90% will be 76,500 ठीक है. अच्छा अभी क्या है कलेक्शन. टू मंथ्स आफ्टर ठीक है. टू मंथ्स आफ्टर तो क्या हो रहा है ये 81,000 जो है ये मेरा कलेक्ट होगा फरवरी का दो महीने बाद. तो यहाँ पे नहीं कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे भी नहीं हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कितना 81,000 उसी के जैसा. ये 72,000 अप्रैल में नहीं होगा मार्च में भी नहीं होगा ठीक है. एंड अप्रैल में नहीं होगा कब होगा 72,000 यहाँ होगा. उसी तरह से ये अप्रैल वाला मेरा अप्रैल में नहीं होगा मई में भी नहीं होगा जून में होगा 90,000 ठीक है. एंड 81,000 तो जून में नहीं जुलाई में होगा तो वो महीने का तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं अभी ठीक है. उस पीरियड का तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं. तो हमारा कलेक्शन क्या आ गया 81,000 72,000 एंड 90,000 ठीक है. तो अपने क्वेश्चन में जाएंगे सॉल्यूशन में तो यहाँ पे अपने लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 81, 72 एंड 90 देख लो 81, 72 एंड 90 ठीक है. लेट अस सी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है देख लो 81, 72 एंड 90 ठीक है. अच्छा दैट्स इट. कैश सेल्स तो हम लोगों ने देखा ही था कैश सेल्स तो हम लोगों ने पहले देख ही लिया था 10% ऑफ द सेल्स है वो उसी महीने मिल जा रहा है ना उसी महीने मिल जा रहा है 190,000 और 85,000 ये टोटल सेल था हमारा उसका 10% है ना. उसका 10% क्या होगा इनटू 10% ठीक है. तो मतलब 100,000 का 10% इज 10,000 90,000 का 10% इज 9,000 और 85,000 का 10% इज 8,500. तो वी जस्ट राइट डाउन दोज फिगर्स ठीक है. चलो अभी हमारा काम क्या हो गया हमने क्रेडिट सेल लिख लिया कलेक्शन लिख लिया है ना और कैश सेल्स भी लिख लिया. हमारा काम अभी क्या है टू फाइंड आउट टोटल कैश अवेलेबल. तो ओपनिंग बैलेंस कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो ये मेरा होगा टोटल अवेलेबल कैश. इसको अपने ए कंसीडर कर सकते हैं ठीक है ए कंसीडर कर सकते हैं. ये मेरा टोटल अवेलेबल कैश हो गया. अभी हमारा काम क्या है एक एक करके पेमेंट्स करना है ठीक है. एक एक करके हम लोग पेमेंट्स करेंगे करते हैं फिर एक एक करके पेमेंट्स. तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज अच्छा परचेजेस करते हैं ठीक है. परचेजेस इसमें भी मैं वैसे ही करता हूँ ठीक है. मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 month तो एक महीने पहले जाने से ही होगा. मतलब अप्रैल है ना अप्रैल से बनाना है तो अप्रैल के पहले वाला महीना मार्च होता है तो मार्च से ही अगर हम अपने वर्किंग नोट्स में बनाए ना तो ही काफ़ी है. सो मार्च अप्रैल मई एंड जून मार्च अप्रैल मई एंड जून टोटल परचेज. पहले अपने यहाँ पे टोटल लिखते हैं ठीक है. टोटल कितना है मेरा टोटल परचेज कितना है
मार्च से लिखो 40,000 60,000 55,000 एंड देन 40,000। ठीक है, ये सारे फिगर्स, ये सारे 40 60 55 एंड 40, ये सारे फिगर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये टोटल है। अभी देखो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है मेरा कैश परचेज कितना है, 10% है। ठीक है, तो कैश परचेज मेरा 10% है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, लिखूँगा कैश परचेज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कैश परचेज। सो 10% ऑफ 40,000 इज 4,000, 10% ऑफ 60,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10% ऑफ परचेज, 10% ऑफ 60,000 इज 6,000, 10% ऑफ 55,000 इज 5,500, 40,000 इंटू 10% इज 4,000। सो ये सारे फिगर्स को अपने लिख देंगे हमारे एक्सपेंस में। ठीक है, तुम्हारा क्या आ रहा है 6,000, हमको तो करना क्या है, हमको ये और ये अप्रैल मई जून, तो क्या अमाउंट है 6,000, 5,500, 4,000, तो ये लिख दो यहाँ पे। देखो ये रहा हमारा कैश परचेजेस। ठीक है, 6,000, 5,500 एंड 4,000, तो ये फिगर्स हम लोग को मिल गए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट जॉब फॉर अस इज टू फाइंड आउट कलेक्शन और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर क्रेडिट परचेजेस। तो यहाँ पे अपने क्रेडिट परचेज लिखेंगे, क्रेडिट परचेज कितना है हमारा। तो ये समझ में आ रहा है 40,000 का 90%, यहाँ पे 90% लिख सकते हैं, 90% ऑफ टोटल परचेजेस, या फिर टोटल परचेज से कैश परचेज को माइनस कर सकते हैं। तो वी आर गेटिंग 36,000 एंड देन दिस इज 54,000। ठीक है, एंड ये मेरा 49,500 एंड ये मेरा 36,000 अगेन। ठीक है, सो दीज आर दी क्रेडिट परचेज का फिगर्स। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द पेमेंट इज मेड 1 month आफ्टर द परचेजेस। सो एक महीने के बाद पेमेंट हो रहा है ना। सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे पेमेंट्स 1 month आफ्टर, एक महीने के बाद। इसका मतलब ये जो 36 का पेमेंट है ना, वो पेमेंट होगा मेरा यहाँ पे 36,000। उसी तरह से 54,000 का पेमेंट मेरा अगले महीने होगा 54,000, 49,500 का पेमेंट होगा उसके बाद वाले महीने 49,500 एंड दैट्स इट। हमको वही तो बनाना है। तो वी गॉट 36,000, 54,000 एंड 49,500 फॉर आर क्वेश्चन। तो ये देखो हमारा 36, 54 एंड 49,500, ये हमारा क्रेडिटर्स का पेमेंट आ गया प्रीवियस मंथ 90%, ये रहा 36, 54 एंड 49,500, ये सारे फिगर्स हमें मिल गए। ठीक है, नाउ अभी देखो क्वेश्चन में एक एक करके एडजस्टमेंट में पहुंचते हैं। नाउ स्पेशल इनकम, एडवांस इनकम टैक्स मई महीने में देना है 5,000 और प्लांट का हमें पेमेंट करना है 15,000। तो कुछ नहीं करना है, अप्रैल महीने में जाओ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लांट। ठीक है, प्लांट खाली अप्रैल महीने में होगा, खाली अप्रैल में होगा। ठीक है, 15,000। अच्छा, और क्या है एडवांस इनकम टैक्स 5,000 मई महीने में, एडवांस इनकम टैक्स, तो एडवांस इनकम टैक्स लिखना है। ठीक है, एंड ये मई महीने में। ठीक है, सो हम लोग का देखो क्या क्या एडजस्टमेंट हो गया। वी आर डन विथ स्पेशल, वी आर डन विथ परचेज एंड सेल्स। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब 5 number एडजस्टमेंट में आते हैं। रेंट 400 पेबल ईच मंथ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस। तो रेंट मेरा 400 करके हर महीने होगा, तो हम लोग रेंट लिखेंगे, ये रेंट लिख दिए 400 एवरी मंथ, 400 एवरी मंथ, दैट्स इट।
तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद टाइम लैग इन वेजेस एंड एक्सपेंसेस हाफ मंथ, इसका मैं और एक वर्किंग नोट तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आधा महीना है ना। सो पेमेंट फॉर वेजेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहां पर भी मैं एक महीने पहले का बनाऊंगा, ठीक है। सो मार्च से मैं बनाता हूं, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, मेरे को चाहिए अप्रैल, मई, जून, ठीक है। मैं एक महीने पहले का इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक महीने हम लोग 15 दिन के बाद बात दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रखो 15 डेज के बाद देने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट से लेके 15th तक का 16 तारीख को पेमेंट होगा, ठीक है। 16 तारीख को पेमेंट होगा एंड 16 से लेके 30th का पेमेंट होगा फर्स्ट नेक्स्ट मंथ में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 50% करेंट मंथ एंड 50% नेक्स्ट, ठीक है। 50% पेमेंट करेंट मंथ में होगा। देखो एक तारीख, अगर मैं जनवरी में हूँ, सपोज मैं जनवरी में, ये मार्च में हूँ, सो मार्च का एक तारीख से 15 तारीख का जो भी पेमेंट हो रहा है ना, हाँ, टोटल का, उसका हाफ करो 50%, वो 16 तारीख को ही हो रहा है, मार्च 16 तारीख को, ठीक है, 15 दिन बाद। और 16 तारीख से 30 तारीख, 31 तारीख मार्च का पेमेंट हो रहा है कब, फर्स्ट ऑफ अप्रैल। इसका मतलब मार्च का आधा पेमेंट हो रहा है मेरा अप्रैल के बिगनिंग में। तो मैं यहाँ पे एक एक करके तुमको, पहले हम लोग पहले एक एक मंथ का करते हैं, ठीक है, एक एक मंथ का करते हैं। पहले अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारा मार्च से शुरू करते हैं। मार्च में हमारा वेजेस है, वेजेस है 8000 एंड एक्सपेंसेस 28000 एंड एक्सपेंसेस है 8000, ठीक है, 28 एंड 8। तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। मार्च, ठीक है, मार्च में मेरा कितना है, वेजेस है, वेजेस है 28, ठीक है, 28000 और एक्सपेंस कितना है 8000, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ना सारे फिगर्स लिख लेता हूँ, दैट विल बी ईजियर फॉर अस जब अपने सॉल्व करेंगे तो। एंड देन कम्स 30 एंड 10, थर्टी टेन एंड देन 25000, मई का आ गया मेरा 25000 फॉर वेजेस एंड 8000 फॉर माई एक्सपेंसेस एंड अगेन 22000 माई वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जून एंड 7000 इज माई एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। सो हम लोग अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग जब पेमेंट कर रहे हैं, मैंने क्या बताया, पेमेंट कैसे हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, पेमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पेमेंट, ठीक है, मैं पहले वेजेस का करता हूँ, ठीक है, वेजेस का करता हूँ, फिर मैं एक्सपेंस भी करूँगा। मैं टोटल भी कर सकता था यहाँ पे शॉर्टकट में, लेकिन थोड़ा डिटेल में ही करते हैं। सो वेजेस यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% करेंट मंथ, तो 50% करेंट, सो 28000 का 50% कितना होता है, 14000, ठीक है। उसी तरह से 30000 का 50% इज 15000 एंड 25000 का 50% इज 12500 एंड देन 22000 का 50% इज 11000। नाउ अभी क्या है, 50% नेक्स्ट मंथ। अभी देखो ये जो 14000 है इसका मतलब ये जो 28 है इसका तो आधा हम लोगों ने मार्च में दे दिया, और आधा कब देंगे, इस महीने में देंगे, नेक्स्ट महीने में,
एक तारीख को दे रहे हैं ना, उसी तरह से ये 15,000, 30,000 का 50% है, सो बाकी 50% नेक्स्ट मंथ। ठीक है, देख लो वापस से बताता हूँ मैं। ठीक है, मेरा 14,000, 28,000 मेरा मार्च महीने का वेजेस है, उसका 50% वी आर पेइंग इन द सेम मंथ, है ना, 14,000, एंड बाकी जो 50% है वी आर पेइंग इन द कमिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ में। सो मार्च का 50% जो कि है वेजेस मेरा होता है 14,000, वो मार्च में पेमेंट हो रहा है, और बाकी 50% 14,000 वो पेमेंट हो रहा है अप्रैल में। तो देखो मैंने अप्रैल में लिख दिया, उसी तरह से अप्रैल का 15,000 अप्रैल में मिलेगा और बाकी 15,000 मई में मिलेगा, 12,500 मई महीने का, 12,500 मई महीने में मिलेगा, 12,500, 25,000 का 12,500 मई महीने में मिलेगा, और बाकी 12,500 मेरे को नेक्स्ट मंथ मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से 22,000 का 50%, 11,000 तो जून में मिल गया और बाकी जुलाई में मिलेगा, तो जुलाई तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेजेस का। उसी तरह से एक्सपेंस का करते हैं। अच्छा ये मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ, ठीक है, बिफोर आई डू माई एक्सपेंसेस मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। तो ये मेरा 14,000 हो गया फॉर द मंथ ऑफ मार्च, वो ज़रूरत नहीं है। ये मेरा 29,000 होगा, देन 15 + 12 27,500, एंड देन 11 + 12 500 इज 23,500। ये मेरा वेजेस का हो गया। अब मैं एक्सपेंस का देखता हूँ। सेम सेम चीज़ है, सेम तरह से सोचना है, सेम तरह से ही सॉल्व भी करना है। ठीक है, एक्सपेंस देखो मेरा यहाँ पे 8,000 है, तो उसका 50% 50% करेंट एंड 50% नेक्स्ट। ठीक है, सो 8,000 का 4,000 मेरे को इसी महीने मिलेगा और बाकी 4,000 अगले महीने। उसी तरह से 10,000 का 5,000 इस महीना, बाकी 5,000 अगले महीने, देन 8,000 का 50% 4,000 इस महीना एंड बाकी 4,000 अगले महीना, एंड देन 7,000 का 50% इसी महीना एंड बाकी अगले महीने। वो नहीं बना रहे हम लोग, बस इसको भी टोटल करेंगे एंड हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 4,000, ये हम लोग नहीं बनाएंगे तो ज़रूरत नहीं है। 5 + 4 9,000, 4 + 5 9,000 एंड 4 + 3.5 इज 7,500। ठीक है, देख लेते हैं। सो हमारा टोटल वेजेस आ रहा है 29,27,500 एंड 23,500। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक्सपेंस में, सॉरी वेजेस में 29,27,500 एंड 23,500, और उसी तरह से हमारा एक्सपेंस भी मैच कर गया, 9,000 9,000 एंड 7,500। ठीक है, सो ये दोनों हमारा हो गया। सो देखो लाइक वाइज वी कैलकुलेटेड ऑल द फिगर्स, नाउ आवर जॉब इज टू टोटल द पेमेंट्स। ठीक है, सो 6,000 प्लस 36,000 प्लस 29,000, मैं कैलकुलेटर में कर लेता एक बार। ठीक है, 6,000 प्लस 36,000 प्लस 29,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000 प्लस 400। ठीक है, सो ये 95,400 आ गया। ठीक है, ये 95,400 मेरा टोटल आ गया फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, सो आई विल कॉल इट टोटल पेमेंट्स। ठीक है, इसे हम लोग बी का नाम देंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हमारा काम क्या है, टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स, तो ए माइनस बी। ठीक है, ए हमारा 1,06,000 है और बी हमारा 95,400 है। ठीक है, सो टोटल मेरा क्या आ गया, 1,06,000 माइनस मैं करूँगा 95,400। देखो
10,600 मेरा आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, 10,600 आ गया मेरा क्लोजिंग कैश, ये रहा। अप्रैल का जो क्लोजिंग है दैट विल बिकम ओपनिंग फॉर द मंथ ऑफ मे, ठीक है, ये देखो अभी वैसे ही करना है मेरे को, ये सारे को प्लस करना है, वी विल गेट 91,600 एंड देन इन सबको टोटल करना है, वी विल गेट 101,400, ठीक है, 91,600 माइनस 101,400 करेंगे तो नेगेटिव 9,800 आ गया, मतलब मेरे पास जितना भी रिसीट था पैसा का जो कलेक्शन हुआ मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, ठीक है, मेरा कलेक्शन था 91,600 बट आई हैव एक्सपेंडेड 101,400, ठीक है। सो जो क्लोजिंग बैलेंस है नेगेटिव है, दिस क्लोजिंग बैलेंस विल अगेन बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ विच इज जून, ठीक है, 9,800 नेगेटिव, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करो सबको, नेगेटिव 9,800 प्लस 8,500 प्लस 90,000 वी आर गेटिंग आर टोटल कलेक्शन ऑफ 88,700 एंड देन ये सारे जो पेमेंट्स हैं इनको माइनस करना है, इसको टोटल करना है पहले, तो ये मिल गया हमको 84,900, इन दोनों को माइनस करो, 88,700 माइनस 84,900 एंड वी आर गेटिंग क्लोजिंग बैलेंस इन द मंथ ऑफ जून एज 3,800। सो दिस इज़ हाउ कैश बजट इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है, देखो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे किताब में सॉल्व किया हुआ है, देयर आर नो वर्किंग नोट्स एंड इन एग्ज़ाम अगर हम लोग वर्किंग नोट्स नहीं बनाएं, ठीक है, द वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर नहीं बनाते वर्किंग नोट्स तो वी विल नॉट बी अवॉर्डेड सफिशियंट मार्क्स, तो वर्किंग नोट्स जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जिस तरह से हम लोग कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है, देन वी हैव कैलकुलेटेड पेमेंट फॉर वेजेस एंड एक्सपेंसेस, दीज वर्किंग नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वर्किंग नोट, ये जो है जो अदर एक्सपेंसेस है रेंट जैसे फॉर द कमिंग थ्री मंथ्स 400 एंड एडवांस टैक्स इज़ टू बी मेड इन द मंथ ऑफ मे ओनली एंड प्लान फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली, इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी है इन योर वर्किंग नोट्स,